नमस्कार साथियों, मैं हूं एडवोकेट शोक चौधरी। साथियों, आज अपन बात करेंगे गल्फ में कतर से रिलेटेड। जी हां साथियों, अपन आज अभी इस सिस्टम के माध्यम से अभी शुरुआत करिए, कौन सी कंट्री का किस तरह से वीज़ा चेक किया जा सकता है। बहुत सारे एजेंटों कई बार क्या होता है कि वीज़ा फेंक दे देते हैं, ठीक है, पन्ना दे देते हैं, ये वीज़ा है। बंदे को बेचारे का अनपढ़ आदमी होता है, उसको वीज़ा चेक तक करना नहीं आता कि वीज़ा चेक कैसे करें। तो अपन इस सिस्टम पर शुरुआत करेंगे कि अगर आपको कोई वीज़ा देता है तो आप किस तरह से वीज़ा चेक कर सकते हैं। तो चलिए अपन शॉर्टली तरीके से शुरुआत करते हैं कतर से रिलेटेड। तो साथियों, मैंने हेडिंग ये रखा है कतर का वीज़ा अगर आता है तो आप किस तरह से इस वीज़ा को आप चेक कर सकते हैं। तो मैं आपको शॉर्टली तरीके से बता दूं। सबसे पहले, जैसे ही आपको कोई वीज़ा देता है, ठीक है, ये आपको कोई बोलता है कि वीज़ा आ गया, तो उसको वीज़ा नंबर आप ले सकते हैं। अगर आप वीज़ा नंबर भी नहीं देता है तो पासपोर्ट नंबर से भी आप वीज़ा चेक कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको शॉर्टली तरीके से बता देता हूँ। तो साथियों, ये वेबसाइट है, मैंने आपको इसलिए लिखा है कि कई बार समझ में नहीं आता, मैं स्क्रीनशॉट में अलग से भी लिख दूंगा इसका। ये कतर की वेबसाइट है जहाँ से आप वीज़ा चेक कर सकते हैं, ई सर्विस, ठीक है, कतर emo.com, ठीक है। तो शॉर्टली तरीके से इसमें ये लिखना है आपको, अगर आप अपने आप ही लगाओ https://portal. ये डॉट लगाना है यहाँ पे, MOI, ठीक है, डॉट गवर्नमेंट, ये GOV government.Qatar KA, इतना आप लगा सकते हो। ये अगर आप लगाते हो तो लगाते ही ये वेबसाइट आपको खुल जाएगी, ठीक है। वेबसाइट खुलने के बाद इसमें अलग अलग कैटेगरी सिस्टम दिखेगा, क्योंकि ये वेबसाइट वहाँ की है कतर की, तो हो सकता है आपको अरबी में दिखे हो या उर्दू में दिखे। तो इसके नीचे ऑप्शन आएगा कि आप सिलेक्शन, जैसे इंग्लिश में होता है तो उसको हिंदी में करते हैं, तो आप बाकायदा इसको कैटेगरी, अलग अलग कैटेगरी होती है, हिंदी में आप इसको कर सकते हैं। हिंदी में करने के बाद में आपको इसमें सर्च करना है ई सर्विस, ठीक है साथियों। ई सर्विस में आप सर्च करोगे तो आपको पूरा सिस्टम दिखेगा, अब उसमें पूरा बायोडाटा आ जाएगा, ठीक है। उसमें कैसे क्या आएगा मैं थोड़ा सा बता दूं आपको। जैसे आपको ई सर्विस में आएगा तो उसमें अलग अलग ऑप्शन आते हैं, जिसमें आपको वीज़ा चेक करना है, वीज़ा का स्टेटस देखना है, अप्रूवल देखना है, वीज़े को ट्रैकिंग करना है, बारी यानी पूरा सिस्टम 2-3-4 सिस्टम में दिखा देता। अब आपको करना है वीज़ा चेक, तो उस पर लिखवा आप उस पर टिक कर सकते हैं कि वीज़ा इंक्वायरी करते हैं। तो ई सर्विस में आपका जो वीज़ा होगा ना, उसको आपको वीज़ा अप्रूवल ट्रैकिंग ये नाम जो आएगा प्रोसेस, इस पर आप क्लिक करोगे। जैसे साथियों, ये आपने कैटेगरी, जैसे हिंदी आपने प्रोसेस कर लिया क्योंकि इंडियन लोगों को हिंदी आती है, ठीक है। जैसे करोगे तो उसके अंदर 3-4 कॉलम आएंगे, जिसमें वीज़ा ट्रैकिंग हो गया, ठीक है, वीज़ा इंक्वायरी हो गई, या फिर और भी उसमें आ सकता है, वीज़ा प्रोसेस हो गया, वीज़ा अप्लाई हो गया, विजिट वीज़ा चेक, इस तरह से 4-5 उसमें सिस्टम आएंगे। तो आपको करना क्या है, आपको अपना वीज़ा चेक करना है, तो उसमें आपको क्या डालना है, वीज़ा अप्रूवल ट्रैकिंग प्रोसेस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक जैसे ही करोगे तो उसमें आपसे क्या मांगेगा, प्रिंट आउट, ठीक है। इसके सामने आपको मांगेगा वीज़ा नंबर, अगर आपको एजेंट ने वीज़ा दिया है तो इस पर आपको वीज़ा नंबर डाल देना है। और कई बार एजेंट को बोल देते हैं, भैया वीज़ा आ गया आपका, आपका ये वीज़ा नंबर है, वीज़ा नंबर भी मान लीजिए दे देते हैं तो आप चेक कर सकते हैं। मान लीजिए वीज़ा नंबर आपको नहीं दिया तो आपके जो पासपोर्ट नंबर हैं, पासपोर्ट नंबर लगा के भी आप इसमें डाल सकते हैं। जैसे आपने पासपोर्ट डाल दिया, वीज़ा नंबर डाल दिया, अगर आपके पास वीज़ा नंबर नहीं है, पासपोर्ट डाल दिया, कई बार एजेंट बोल देते हैं प्रोसेस में, तो इसका अपन इंक्वायरी कर सकते हैं कि प्रोसेस में है कि नहीं है। अगर प्रोसेस में होगा तो आप यहाँ पे अपना पासपोर्ट नंबर डाल सकते हैं। पासपोर्ट नंबर डालने के बाद में आपको नेशनलिटी यहाँ पे दिखानी पड़ेगी, आप कौन सी कंट्री से, इंडियन, पाकिस्तानी, नेपाली, तो आप यहाँ पे लिख दिए इंडियन, इंडियन पे क्लिक करोगे या इंडियन लिख सकते हो। उसके बाद में आपको सबमिट करना है, नीचे एक ऑप्शन आता है सबमिट, उस पर आप क्लिक करोगे। उसके बाद में आपका जो भी प्रोसेस है, अंडर प्रोसेस, आपका वीज़ा अगर अंडर प्रोसेस है तो आपको दिखाएगा अंडर प्रोसेस, अगर आपका वीज़ा ऑनलाइन हो गया तो आपका वीज़ा पूरा वीज़ा दिखा देगा। उसमें आपका जो भी सिस्टम होता है, कंपनी नेम, पासपोर्ट नंबर वगैरह, डेट ऑफ, सब कुछ आपका इसमें सिस्टम में शो कर देगा। इसके बाद अगर आप चाहो तो प्रिंट आउट भी ले सकते हो उस वीज़ा का, जैसे मोबाइल से चेक करते हो या फिर ई मित्र पे, कंप्यूटर पे, तो आप इसका प्रिंट आउट वीज़ा भी निकाल सकते हो। तो साथियों, ये आपका वीज़ा करने का एकदम ईजीली तरीका है। कतर का, दुबई का वीज़ा इतना आसान चेक होता है कि हद नहीं है। तो इस तरीके से आप वीज़ा चेक कर सकते हैं। इसका मैं वेबसाइट, ये आपको समझ में आ गया होगा, मैं लिंक अलग से थोड़ा सा रख दूंगा तो आपको आराम से समझ में आ जाए। तो साथियों, मैंने कोशिश की है आपको समझाने की कि वीज़ा, कतर का वीज़ा कैसे चेक करें। फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आंसर देने की कोशिश करूंगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर लें, हर रोज़ ऐसे टॉपिक पे वीडियो आते रहते हैं, जिससे भविष्य में जब भी आप कतर से, गल्फ से रिलेटेड जाने की सोचें तो ये वीडियो, ये चैनल आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सके। जय हिंद, वंदे मातरम।